Hallo Leute, guten Abend. Wie geht's? In diesem Video lernen wir noch eine Konjunktion. आज के वीडियो में हम एक और कंजंक्शन करने वाले हैं. अब दिस इज कंजंक्शन पार्ट 10. इसके पहले हमने कई सारे कंजंक्शन किए हैं, जिन्होंने नहीं देखा जाकर जरूर देखे. ये कंजंक्शन है दामित, यानी सो दैट. जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, सो दैट आई एम डूइंग समथिंग सो दैट आई कैन डू समथिंग. फाइन, जैसे हिंदी में बोलते हैं ताकि, जिससे कि. ठीक है, ये एग्जाम्पल देखते हैं. थॉमस इज लर्निंग जर्मन सो दैट ही कैन स्टडी इन जर्मन. ठीक है, फाइन. दिस हैज टू सेंटेंसेस. थॉमस इज लर्निंग जर्मन, मतलब थॉमस जर्मन सीख रहा है, सीधा. नाउ सेकेंड सेंटेंस इज ही कैन स्टडी इन जर्मन. फाइन, तो ये जर्मन क्यों सीख रहा है, ये उसका मोटिव है और उसका लक्ष्य क्या है. ठीक है, उसका मोटिव क्या है, उसका लक्ष्य ये है कि वो जर्मनी में स्टडी कर सके. फाइन, सो दिस इज काइंड ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. ठीक है, फाइन. सो अगर इसको हिंदी में बोले, कैसे बोलेंगे, थॉमस जर्मन सीख रहा है ताकि वह जर्मनी में पढ़ाई कर सके. ठीक है, इट्स सो सिंपल. इसका दूसरे वेरिएंट बहुत ज्यादा निकल के नहीं आएगा, आप कितना भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लें. फाइन, राइट. सो हम जैसे हिंदी में इसको जोड़ते हैं ताकि से, ठीक है, सेम वे इंग्लिश में हम जोड़ते हैं सो दैट. ठीक है, मतलब अब जो हमने पिछला वाला किया था उम्त्सु, उसमें क्या था, इन ऑर्डर टू. ठीक है, उम्त्सु, ठीक है, मतलब ऐसा आप काम कर रहे हैं वो चीज हासिल करने के लिए. इसमें कैसे है, आप ये काम कर रहे हैं ताकि वो काम हो सके. ठीक है, सो इट्स ए काइंड ऑफ पैराफ्रेज, आप ऐसे समझ सकते हैं. ठीक है, चीज वही है. सो इसी को हम जर्मन में कैसे बोलेंगे, वहां पे भी दो सेंटेंस है. थॉमस थॉमस लर्न्ड डॉयच, सिंपल सेंटेंस. नाउ सेकेंड सेंटेंस क्या है, एर स्टूडियरन एरकन इन डॉयच लर्न स्टूडियरन. ठीक है, फाइन. मगर इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जब हम दामित लगाते हैं, तो जैसा कि पिछले कई सारे कंजंक्शन में हुआ, जब हम दामित लगाते हैं कॉमा के बाद, तो उसमें क्या होगा, द वर्ब वर्ब व्हेन वी से वर्ब दैट मींस द वर्ब दैट इज कंजुगेटेड. ठीक है, नॉट द वन दैट इज इन इन्फिनिटिव और इन अदर फॉर्म्स, का ध्यान रखिए. सो द कंजुगेटेड वर्ब गोज इन द एंड. सो वही हुआ यहाँ पे. तो थॉमस लर्न्ड डॉयच दामित एयर इन डॉयचलैंड स्टूडियरन कन. अगर ये नॉर्मल सेंटेंस होता कैसा होता, बिना दामित के, एरकन इन डॉयचलैंड स्टूडियर. सो कन कंजुगेटेड वर्ब है, वो चला गया एंड. फाइन, सो ये वही चीज है. और एग्जांपल देखते हैं, शी प्लेज टेनिस सो दैट शी कैन स्टे हेल्दी. फाइन, सो अगेन टू सेंटेंसेस. शी प्लेज टेनिस, क्यों, वाई, सो दैट शी कैन स्टे हेल्दी. हिंदी में हम इसको सिंपल ऐसे ही बोलेंगे, वह टेनिस खेलती है, क्यों, ताकि वह स्वस्थ रह सके. जर्मन में कैसे बोलेंगे, जी स्पील टेनिस दामिट, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है उस पर ध्यान दीजिए. जी स्पील टेनिस, ठीक है, देन कॉमा, देन स्पेस, देन दामिट, एंड उसके बाद से सब्जेक्ट. पिछला सेंटेंस, पिछले जो हमने कॉन्सेप्ट किया था उम्त्सु, उसमें जो नेबेन जाट्स में क्या है, कोई सब्जेक्ट नहीं होता था, मगर इसमें होता है. ठीक है, ये फर्क है, अदरवाइज चीजें ऑलमोस्ट सेम है. सो दामिट जी गेजुंड ब्लाइबेन कन, ये नॉर्मल सेंटेंस कैसे होता, सेकंड वाला, अगर दामित नहीं होता, जी कन गेजुंड ब्लाइबेन. ठीक है, बट कन इज द कंजुगेटेड वर्ब एंड दैट गोज इन द एंड. सिंपल, राइट. ही प्रैक्टिसेस अ लॉट सो दैट ही कैन इम्प्रूव हिज लैंग्वेज. ठीक है, ही प्रैक्टिसेस अ लॉट, फर्स्ट सेंटेंस, सो दैट के बाद ही कैन इम्प्रूव हिज लैंग्वेज. इसको हिंदी में हम कैसे बोलेंगे, सो सिंपल. ये कुछ लोगों को लग रहा होगा बहुत बड़े बड़े सेंटेंस है, मगर है नहीं, वह बहुत अभ्यास करता है, वह ज्यादा अभ्यास करता है. ठीक है, ताकि, क्यों, जिससे कि वह अपनी भाषा में सुधार कर सके. ठीक है, अब इसी को हम जर्मन में कैसे बोलेंगे, यूब फील. यूबन मीन्स प्रैक्टिस करना, रियाज करना, अभ्यास करना. यूब फील दामिट एर जाइन स्प्राखा फेर बेसन कर. ठीक है, फेर बेसन इज टू इम्प्रूव, और कन इज द कंजुगेटेड वर्ब, सो दैट गोज इन द एंड. नाउ अभी यूबिन से याद आया, मुझे नहीं पता हमारे स्टूडेंट्स, हमारे सब्सक्राइबर्स कितना प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, और अगर वो प्रैक्टिस ठीक ठाक करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूरत से 2-4% कम प्रैक्टिस करते हैं. अदरवाइज जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड अपने सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. उससे क्या होगा, एक का सेंटेंस दूसरा देखेगा, उससे कुछ सीखेगा, उसमें कुछ गलतियां होंगी वो सुधार करेगा. ठीक है, एंड इन दैट वे वी कैन ऑल्सो कम अक्रॉस मोर नंबर ऑफ सेंटेंसेस. फाइन, सो दैट इज माई एडवाइस. इक स्पारे गेल्ड, इक स्पारे गेल्ड, फर्स्ट सेंटेंस, दामिट इक आइन मोटोरार काउफेन कर. ठीक है, ये सेंटेंस हमने पिछले कॉन्सेप्ट में भी देखा था, इसमें भी देख रहे हैं.
एक्सपायर गेल्ड, एक्सपायर मींस टू सेव, मतलब आई एम सेविंग मनी. दामिट सो दैट इफ आई एम मोटोरार्ट पाओ कैन कम सो दैट आई कैन बाय अ मोटरसाइकिल. मैं पैसे बचा रहा हूँ जिससे कि ताकि मैं एक मोटरसाइकिल खरीद सकूँ. ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंस है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. आई एम सेविंग मनी सो दैट आई कैन बाय अ मोटरसाइकिल एक्सपायर गेल्ड दामिट इफ आई एम मोटोरार्ट पाओ कैन कम. अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि दामिट के बाद ये वर्ब उल्टा लास्ट में क्यों चला जा रहा है, ये बिल्कुल हिंदी के जैसा ही है. ठीक है, हिंदी जर्मन भाई भाई, राइट. दामिट इच आइन मोटोरार्ट काउफन कन, ताकि मैं एक मोटरसाइकिल खरीद सकूं. आप देखिए एक एक वर्ड एक एक चीज हिंदी के जैसा है स्ट्रक्चरली. फाइन, सो बिल्कुल हिंदी के जैसा है. दामिट इच आइन मोटोरार्ट काउफन कन स्पारे गेल्ड. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. नेबेनजाच को भी हम फर्स्ट में ले सकते हैं, बट इन दैट केस क्या होगा, नेबेनजाच के बाद कॉमा आएगा और उसके बाद सीधे वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, जैसे दामिट इच आइन मोटोरार्ट काउफन कन स्पारे गेल्ड, बिकॉज द एंटायर नेबेनजाच इन द फर्स्ट पोजिशन वर्क्स एज ए काइंड ऑफ फर्स्ट पोजिशन. ठीक है, एंड सेकेंड क्वेश्चन टेकन बाई स्पारन. आप ऐसे समझिए, इफ ब्राउके फील गेल्ड दामिट इच फील राइज इन कन आई नीड अ लॉट ऑफ मनी सो दैट आई कैन ट्रेवल अ लॉट. ठीक है, मोनिका फेयर इन डेन उर्लाउ दामिट री जिख एर होल इन कर. मोनिका फेयर इन डेन उर्लाउ, सो इन डेन उर्लाउ फॉरन, इसको ऐसे फ्रेज के रूप में आते हैं. लैंग्वेज इज नॉट बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, इट्स बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेजेस. वर्ड्स तो बहुतों के पास है, कई लोगों ने डिक्शनरी याद कर रखी है, मगर उसे जोड़ के फ्रेज नहीं बना पाते हैं, या यू कहें रेडीमेड फ्रेजेस नहीं सीखते हैं, एंड दैट्स द रीजन दे हैव डिफिकल्टी इन राइटिंग और स्पीकिंग एनी लैंग्वेज. फाइन, सो मोनिका फेयर इंडियन उर्लाउ, सो इंडियन उर्लाउ फॉरन मतलब छुट्टी पर जाना, टू गो ऑन लीव, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते. यू कैन से टू गो फॉर लीव, टू गो इन लीव, सो टू गो ऑन लीव आई गो ऑन लीव इफ फॉर ए इंडियन उर्लाउ, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ. ठीक है, फाइन, सो मोनिका फेयर इंडियन उर्लाउ दामिट जी जिख एर होल इन कर सो दैट शी कैन रिकवर. सो जिख एर होल इन दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव वर्ब. नेक्स्ट, वी काउफन आइन एन स्टाउ साउगर. स्टाउ साउगर इज वैक्यूम क्लीनर. पिछले पिछले वीडियो में इसका हमने दूसरा वर्ड लिया था, दैट्स ऑल्सो सिनोनिम. सो वी काउफन आइन एन स्टाउ साउगर दामिट वी साइट स्पारन क्यों सो दैट वी कैन सेव टाइम. साइट स्पारन गेल स्पारन सेव मनी सेव टाइम साइट स्पारन गेल स्पारन. सो वी काउफन आइन एन स्टाउ साउगर मतलब वी आर बाइंग अ वैक्यूम क्लीनर सो दैट सो वी कैन सेव टाइम. वी मिस एन स्पोर्ट ड्राइवमैन, वी मस्ट डू स्पोर्ट. स्पोर्ट ड्राइवमैन मीन टू डू स्पोर्ट. सो वी मिस एन स्पोर्ट ड्राइवमैन दामिट वी आर सॉरी दिस इज मिया दिस इज वी आर नॉट मिया. सो दामिट वी आर गेजुन ब्लाइबन क्यों ना सो दैट वी कैन स्टे फिट वी कैन स्टे हेल्दी. दामिट वी आर गेजुन ब्लाइबन क्यों ना म्यूजियम में स्पोर्ट ड्राइवर. ठीक है, सो ऐसे भी बोल सकते हैं. नेबेनजाच फर्स्ट पोजिशन लगा के देन कॉमा देन कम्स द वर्ब एंड देन सब्जेक्ट, उसके बाद से रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. दामिट वी आर गेजुन ब्लाइबन क्यों ना म्यूजियम में स्पोर्ट ड्राइवर. इक्लेयर ने ये दिन टाक. ठीक है, आई एम लर्निंग एवरी डे, आई लर्न एवरी डे क्यों. दामिट इच माइनर डॉइच प्रूफ बेस्ट ए. ठीक है, सो आई ने प्रूफ बेस्ट ए मतलब टू पास एन एग्जामिनेशन. टू पास एन एग्जामिनेशन का सीधे सीधे जर्मन फ्रेज आपको सीखना है. आई ने प्रूफ बेस्ट ए. ठीक है, सो दामिट इच माइनर प्रूफ बेस्ट ए और बेस्ट एन कर सो दैट आई कैन पास माई एग्जामिनेशन जर्मन एग्जामिनेशन. सो दामिट इच माइनर डॉइच प्रूफ बेस्ट ए लर्न इच ये दिन था सीख. ठीक है, सो दैट्स ऑल्सो पॉसिबल. ठीक है, सो विद दिस वी कवर्ड अनदर कंजंक्शन दैट इज दामिट. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. एंड एज आई जस्ट सेड, कुछ अपने सेंटेंस बना के कॉमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि एक दूसरे से देख के कुछ ना कुछ हम लोग सीख सकें. फाइन, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस वंस अगेन. ऑफ वीडियोज़ ए.